नमस्कार, मनोदेल श्रेया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि समाजवाद शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो समाजवाद शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था रॉबर्ट ओवेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है आदर्शवादी समाजवाद के प्रवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स थे जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी कार्ल मार्क्स ने, और कार्ल मार्क्स थे जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रांसीसी साम्यवाद के जनक माने जाते हैं सेंट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? तो फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा किसने दिया? तो दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो रूस के शासक को कहते थे जार। जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुई? तो जारशाही व्यवस्था समाप्त हुई थी 1917 में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? तो जार मुक्तिदाता के नाम से जानते हैं अलेक्जेंडर द्वितीय को। नेक्स्ट है कि रूस का अंतिम जार कौन था? तो रूस के अंतिम जार थे जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति कब हुई? तो रूस की क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1917 की जो क्रांति हुई उसका तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब शुरू हुई? तो बोल्शेविक क्रांति है वो 7 नवंबर 1917 ईस्वी में शुरू हुई थी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो बोल्शेविक क्रांति के नेता थे लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेनिन ने किसका शासन संगठन किया था? तो लेनिन ने किसका संगठन किया था? तो लेनिन ने संगठन किया था चेका का। नेक्स्ट है कि लाल सेना का संगठन किसने किया? तो लाल सेना का संगठन किया था ट्राटस्की ने। नेक्स्ट है कि एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो जार निकोलस द्वितीय ने ये दिया था कि एक जार एक चर्च और एक रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कैसे हुई? तो बम विस्फोट से हुई थी अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? तो स्लाव लोगों की क्या थी, रूस में सबसे अधिक जनसंख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन थे? तो अन्ना कैरेनिना के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो तुर्गेनेव को शून्यवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है कि रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो प्लेखानोव है उनको रूसी साम्यवाद के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में और हुई थी रूस में, सोशल डेमोक्रेटिक दल। नेक्स्ट है कि बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो बोल्शेविक दल के नेता थे लेनिन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लेनिन ने रूस में कब क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की? तो लेनिन ने 16 अप्रैल 1917 में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की थी। नेक्स्ट है कि इस योजना को किस नाम से जाना गया? तो इस योजना को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया था। रूस में नई आर्थिक नीति किसने और कब लागू की? तो रूस में नई आर्थिक नीति 1921 में लेनिन ने लागू की थी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक रूस के निर्माता माने जाते हैं स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक रूस के निर्माता हैं स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? तो राइट्स ऑफ मैन के लेखक हैं टॉमस पेन।
मदर की रचना किसकी है? तो मदर है वो रचना है मैक्सिम गोर्गी की। नेक्स्ट है कि स्थायी क्रांति का सिद्धांत के प्रवक्ता कौन थे? तो स्थायी क्रांति के सिद्धांत हैं उसके प्रवक्ता थे ट्रस्ट की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का क्या नारा था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहा? तो फ्रेडरिक एंजल्स थे वो कार्ल मार्क्स के क्या थे? आजीवन साथी थे फ्रेडरिक एंजल्स। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? तो 1991 में सोवियत संघ रूस बना। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे रूस की क्रांति से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।